दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी हैं और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी वैकेंसी हैं। बहुत सारी कंपनी जैसे इफ़को में भी वैकेंसी हैं, इस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखें, कट है न करें, बीच में आपको नोटिफिकेशन बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों के लिए, इसलिए दोनों लोग देख सकते हैं इसको। और बहुत सारी मल्टी डिपार्टमेंट में वैकेंसी, जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ तो ALL में वैकेंसी, यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्शन में, डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी ऑफिसर, मेंटेनेंस और इंजीनियर सब के लिए वैकेंसी। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया, फ्रेश और एक्सपीरियंस दोनों जा सकते हैं। 28 अगस्त 2020 को 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा इंटरव्यू। पूरा एड्रेस दिया हुआ आपको दिख रहा हुआ है एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको इसे अटेंड करने के लिए जाना, तेलंगाना में, तो ये वाला एड्रेस, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलता हूँ। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे आप देखोगे तो मेल आईडी दी है HIREN.SHAH@ADVANTMED.com। कॉन्टैक्ट नंबर है 7874418329। यहाँ पे देखो, आपको देखो फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले फार्मासी या साइंस का बैकग्राउंड है तो यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी पे अपना CV भेज दें तो आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होगा, तो आपके लिए यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वैकेंसी, IIT या MTech सिविल से होना चाहिए, 20 साल एक्सपीरियंस, या DPM MTech सिविल से और एबव 12 ईयर एक्सपीरियंस और रिलेटिव एक्सपीरियंस बताया गया। सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, BTech इलेक्ट्रिकल, 10 साल का एक्सपीरियंस, सुपरवाइजर टोटल स्टेशन सुपरवाइजर, यहाँ पर BTech सिविल 8 साल का एक्सपीरियंस, क्वालिटी इंजीनियर BTech सिविल 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और दोस्तों सीनियर HR मैनेजर के लिए वैकेंसी, MBA विद 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर मेल आईडी दिया HR@DECINFRA.com। कॉन्टैक्ट नंबर 9346246043। 43 की जगह 32 करके भी कॉन्टैक्ट किया जा। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर देखो मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर बताया गया है रोटेटिंग एक्यूमेंट सुपरवाइजर 31 वैकेंसी, स्टैटिक एक्यूमेंट सुपरवाइजर 32, HVAC सुपरवाइजर 33, मैकेनिकल 39, मैकेनिकल सुपरवाइजर 43। यहाँ पर मेल आईडी दी जिस पर आप अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हो HR@UGMOS.com। MS वर्ड में करना है आपको अपना। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर BSc डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, 2 से 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस बता दिया गया। सिविल टेक्निकल ऑफिसर इंजीनियर BSc डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस बता दिया गया, एक्सपीरियंस किस रिलेटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिस इंजीनियर, यहाँ पर BSc डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 3 से 5 साल का। सिविल QC इंजीनियर BSc मांगा सिविल से, 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस QC फील्ड में रिलेटिव होना चाहिए। मैकेनिकल QC इंजीनियर BSc डिग्री मैकेनिकल से, यहाँ पर दोस्तों 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेटिव एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिकल QC इंजीनियर यहाँ पर बता दिया गया है आपका BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर मेल आईडी दीजिए, अपना CV फॉरवर्ड करना है JOBS@MADKOUR.com। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर हमारा राजा, तो यहाँ पर मशीन ऑपरेटर के लिए SSC पास, इंटर, ITI पास और फिर दोनों चलेगा। यहाँ पर दोस्तों ओनली मेल कैंडिडेट 18 से 30 ईयर का एज लिमिट रखा गया है। 800 वैकेंसी हैं, 8 आवर ड्यूटी 3 शिफ्ट यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन 26/8/2020 से पहले करना, लिंक दी हुई है। तो नेक्स्ट आप देख रहे हो LMIC फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो आप एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव पैकिंग के लिए वैकेंसी, यहाँ पर मेल आईडी दी है KALPIT.PANDYA@LMIC.co.in। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में बी फार्मा, एम फार्मा, 2 से 8 ईयर एक्सपीरियंस, रिलेटिव एक्सपीरियंस बताया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेटर पैकिंग के लिए, यहाँ पे मेल आईडी है NIKHIL.KHATRI@LMIC.co.in। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ITI HSC डिप्लोमा BA BCom BSc 2 से 10 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल में सीनियर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव के लिए, यहाँ पे मेल आईडी है QALITYFORM@ALEMBIC.co.in। क्वालिफिकेशन MSc वी फार्मा, 2 से 8 ईयर एक्सपीरियंस दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों सीनियर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर QA के लिए वैकेंसी, यहाँ पर मेल आईडी है QALITY@API@ALEMBIC.co.in। और यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन में बी फार्मा, एम फार्मा, MSc दिया, 2 से 8 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है
एग्जीक्यूटिव प्रोसेस मेंटेनेंस। यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी है enggg@lmec.co.in। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस। और दोस्तों नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी enggg@lmec.co.in। यहाँ पर क्वालिफिकेशन बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस। दोस्तों नेक्स्ट बात करो एग्जीक्यूटिव मेंटेनेंस HVAC, यहाँ पर मेल आईडी सेम वही है, क्वालिफिकेशन बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर अगर इसे अटेंड करना चाहते हैं तो इजीली अटेंड कर सकते हैं, सबका मेल आईडी साथ में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया वो चीज़ आप खुद से पढ़ लें। इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। और अगर नेक्स्ट वैकेंसी तरफ चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको बता दूँ, फिक्स टर्म जॉब है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन IT वेल्डर फिटर इलेक्ट्रीशियन चाहिए और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी का सारा वर्क लोकेशन बता दिया गया, रोल आपका, सारी चीज़ें बता दी गई, वो खुद से पढ़ना है। ये लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020। यहाँ पर दोस्तों पूरा यहाँ पर बता दिया कि 10 से 5 बजे तक चलेगा इंटरव्यू। तो यहाँ पर आप अपना CV भेज दें। मेल आईडी है kisori.chode@toshiba.ttdi.com। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये मेल आईडी कुछ इस तरीके से है kisori.chode@toshiba-ttdi.com। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन अच्छे से दिख नहीं रहा, ऐसे नोटिफिकेशन में मिला है, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। नेक्स्ट वैकेंसी मैं आपको बता दूँ, ये नोटिफिकेशन ऐसा ही है, लेकिन मैं बता दूँ इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस इंजीनियर हैं। यहाँ पर सारा आप वो तो बड़े बड़े अक्षरों में आप देख ही पा रहे होंगे। मिनिमम यहाँ पर 7 से 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ info@jagson.com पे आपको अपना CV भेजना है, ठीक है। ये एक इंटरव्यू होगा और जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इनका जो है क्वालिटी कंट्रोल में वैकेंसी है, जहाँ पर वीफार्मा एमफार्मा BSc MSc मांगा है, 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस। क्वालिटी कंट्रोल में वैकेंसी है जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर RM के लिए, IP, PF के लिए, FV के लिए थी, यहाँ पर PM और GLP के लिए। जहाँ पर क्वालिफिकेशन में वीफार्मा एमफार्मा BSc MSc मांगा, 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस। क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन के लिए वैकेंसी, जहाँ पर वीफार्मा एमफार्मा BSc MSc, 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस। क्वालिटी कंट्रोल माइक्रो के लिए वैकेंसी दोस्तों, यहाँ पर बीफार्मा एमफार्म BSc MSc, 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर फैक्ट्री का लोकेशन दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। मेल आईडी कुछ इस तरीके से hr@shrvenkate.com इस पर आपको अपना CV भेजना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 अगस्त से 29 अगस्त तक वेयर हाउस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। यहाँ पर ट्रेनी टेक्नीशियन केमिस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर फ्रेशर 2-5 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर BSc बी फार्मासी और यहाँ पर इंटर MPC और BIPC वाले अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इंटरव्यू 10:30 से 12 बजे तक चलेगा और डेट बता ही चुका हूँ। एड्रेस है तेलंगाना का पूरा दिया हुआ और आपका जो रोल रहेगा वो बता दिया गया। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो अपना CV, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 3 मंथ का सैलरी स्लिप, एजुकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल और जीरोक्स लेके जाना। तो नेक्स्ट है प्रोडक्शन वैकेंसी, हैदराबाद लोकेशन। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी दी हुई है। फाइनल यहाँ पर इंटर डिप्लोमा BSc BPharma के लिए वैकेंसी है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है 24 अगस्त से 29 अगस्त तक ही होने वाला है, 10 से 2:30 बजे तक, पूरा दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ, आप देख पा रहे होंगे तेलंगाना का। नेक्स्ट IPQA QC के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर भी 24 से 29 तारीख तक चलने वाला है। ये टाइमिंग दिया है, एड्रेस सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ BPharma MPharma के लिए वैकेंसी फाइनली। नेक्स्ट वैकेंसी ये है, ठीक है, आपसे रिलेटिव है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी ये आप रिलेटिव हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी सेम है। यहाँ BSc MSc इंटर वालों के लिए जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी आप वॉकिंग इंटरव्यू बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपका देखो पूरा बता दिया गया है कि मेडिकल रिसेप्शनिस्ट मेल फीमेल, यहाँ 15 से 18 हज़ार रुपये बता दिए गए। एरिया सेल्स मैनेजर 25,000 से 30,000 बता दिए गए, मेल फीमेल दोनों। कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9414132433। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाना।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका, प्रोडक्शन वैकेंसी वी फार्मा एम फार्मा बीएससी डिप्लोमा जिसने किया है उसके लिए 0 से 4 साल का एक्सपीरियंस, वी आर हाउस में भी ऐसा ही है, बीएससी एमएससी मांगा 0 से 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है क्यूए के लिए वैकेंसी एम फार्मा एमएससी बी फार्मा 1 से 4 ईयर एक्सपीरियंस, क्यूसी के लिए वैकेंसी एम फार्मा एमएससी बी फार्मा 1 से 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पे 29 अगस्त का इंटरव्यू होने वाला है, पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने आप। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों प्रोडक्शन वी फार्मा और 0 से 3 ईयर एक्सपीरियंस, क्यूए के लिए वैकेंसी एम फार्मा 0 से 3 ईयर एक्सपीरियंस। और यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो मेल आईडी दिए 3 nagabhusan.g@meDREIch.com और भी मेल आईडी जिस पर आप अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जिन पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। ये 26 तारीख का वर्किंग इंटरव्यू है, देखोगे तो आपको यहाँ पर बी वी एस सी केमिस्ट्री बी टेक केमिकल इंजीनियरिंग फ्रेशर 2019-20 के पास आउट 0 से 3 ईयर एक्सपीरियंस, पूरा एड्रेस दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट वॉकिंग इंटरव्यू 29/8/2020 को सैटरडे का है, जहाँ पर वी एस सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रेशर 2019-20 के पास आउट ही चाहिए। यहाँ पर आर एन डी के लिए वैकेंसी है, ओनली मेल कैंडिडेट चाहिए, एड्रेस वही है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए वही। तो नेक्स्ट आप देख रहे होगे तो यहाँ पर दोस्तों सन फार्मा वैकेंसी है, यहाँ प्रोडक्शन वैकेंसी है, जहाँ पर बी फार्मा एम फार्मा 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन में टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसी, आईटी मांगा किसी भी ट्रेड से 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन टेक्नीशियन जहाँ पर डिप्लोमा मांगा है फार्मासी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस, क्यूसी के लिए वैकेंसी है जहाँ पर दोस्तों बीएससी एमएससी बी फार्मा एम फार्मा 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस, वेयर हाउस के लिए वैकेंसी जहाँ पर आईटी मांगा है डिप्लोमा मांगा है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिप्लोमा दोस्तों फार्मासी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ईटीएस 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर अपना सीवी फॉरवर्ड करते हैं, अगर आप यहाँ पर अटेंड करना चाहते हैं तो kyur@sunpharma.com। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी है क्वालिटी कंट्रोल ADL, यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर BE इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है सब के लिए, और 4 से 6 ईयर का एक्सपीरियंस, और यहाँ पर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं caer@ctxls.com, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है 9099075796। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ है क्वालिटी कंट्रोल QA के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो MSc एम फार्मा BSc मांगा 2 से 7 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है प्रोडक्शन में, जहाँ पर दोस्तों आप देखो क्वालिफिकेशन में तो बी फार्मा एम फार्मा, और यहाँ पर टेक्नीशियंस के लिए भी वैकेंसी है 10+2+ विद यहाँ पर ITI मांगा है, और डी फार्मा चलेगा 2 से 7 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों मेल आई डी है sunil.kumar24@sunpharma.com, नेक्स्ट मेल आई डी जिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर QC एग्जीक्यूटिव के लिए, जहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन में CIPET या BSc केमिस्ट्री, क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस, में मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन HDPE या पाइप, और यहाँ पे इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा आपको, राजकोट लोकेशन है। और दोस्तों यहाँ पे मेल आईडी दी जिससे आपको CV फॉरवर्ड करना है hr@capitalpolyplast.com, कॉन्टैक्ट नंबर है 6354601076। तो नेक्स्ट है दोस्तों इंजीनियर 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में BE डिप्लोमा मैकेनिकल, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन आपका दिया हुआ है, और मेल आईडी hr@difacto.com। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर इंजीनियर के लिए वैकेंसी, सीनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो BE सिविल मैकेनिकल सॉरी ME के लिए वैकेंसी, डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर 7428747133, और मेल आई डी है recruitmentindia.sysstra.com। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर जूनियर ओवर फैन और माइन के लिए वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 10 सितंबर 2020 लास्ट डेट है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर www.gmdcltd.com पर जाके अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे हैं फ्रेशर के लिए प्रोडक्शन में, जहाँ BSc, MSc, डिप्लोमा, BTech, केमिकल से मांगा है पास और फेल विद एनी डिग्री। तो आप हैदराबाद लोकेशन के लिए प्रोडक्शन केमिस्ट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर अलग अलग बता दिया गया। आप देख पा रहे हो MSc, वी फार्मा और एम फार्मा ओनली फीमेल, HR वालों के लिए वैकेंसी है। मतलब फाइनली वेयर हाउस, प्रोडक्शन, QC, QA, मेंटेनेंस, अकाउंटेंट, IT इलेक्ट्रीशियन और HR के लिए वैकेंसी। आपने मेल आई डी दी है hr.bvr09@gmail.com। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ प्रोडक्शन में, यहाँ पर 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, BSc MSc केमिस्ट्री। नेक्स्ट है QC, यहाँ पर दोस्तों 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस BSc MSc केमिस्ट्री। ये दोस्तों इंटरव्यू 29/8/2020 सैटरडे को होने वाला है और 30/8/2020 संडे को होने वाला है। ये जो है 9:30 से 1:30 तक होगा। पूरा एड्रेस आपके सामने देख पा रहे हो कि ये एड्रेस है, एक ये और एक ये, ठीक है। और दोनों पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए जिन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएँ, फ़ोटो लेके जाएँ, CV लेके जाएँ, ठीक है। और जो जो लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं वो अपना CV मेल कर सकते हैं resumes@sybmedlabs.com। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर टेक्निकल मैनेजर EMI EMC and Safety एट पुणे में। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। मेल ID resumes@tub-india.com, जो 31 अगस्त 2020 से पहले पहले करना पड़ेगा। यहाँ पे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव लिमिटेड, मतलब बोले तो IFFCO में वैकेंसी है और गुजरात लोकेशन के लिए। यहाँ पे दोस्तों डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। ट्रेनिंग पीरियड है 12 मंथ का। अब वो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। 3 ईयर डिप्लोमा मांगा हुआ है, अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ बता दी गई है पहले ही कि आपको 2018 के बाद पास हुए हो 60% के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है BSc AOCP LACP। यहाँ पर दोस्तों अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, 12 मंथ का ट्रेनिंग है। BSc PCM PCB ग्रुप से मांगा हुआ, फुल टाइम होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ पास थर्ड ईयर BSc एग्जामिनेशन, तो वही बात है 2018 के बाद पास आउट होना चाहिए, 55% के बाद साथ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सीट है ITI ट्रेड NCVT GCVT। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रीशियन IMCP IM और MMCP फिटर, मशीनिस्ट MMV डीजल और यहाँ पर रेफ्रिजरेशन AC और AC और वेल्डर एंड GNC। तो यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों बता दिया गया है कि 12 मंथ का ट्रेनिंग है। यहाँ क्वालिफिकेशन में SSC+ ITI होना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ है कि 2018 के बाद पास आउट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, 60% के साथ होना चाहिए। यहाँ पर बाकायदा एज का लिमिट बता दिया गया है कि आपका एज लिमिट जो है मैक्सिमम 27 ईयर है। इसमें SC ST कैटेगरी में तो 5 साल का आपको फ़ायदा मिल सकता है और OBC में हो तो 3 साल का छूट दिया जा सकता है, जो 31/3/2020 के हिसाब से काउंट होगा। मिनिमम एज 18 ईयर है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट बता दिए गए, क्या क्या आपको जब एप्लीकेशन भरोगे तो क्या क्या होना चाहिए। आपका सिग्नेचर, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो कॉपी, सारे सर्टिफिकेट के होने चाहिए आपके पास। ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं, मेल ID, फादर्स नेम और आपके पास मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एज का प्रूफ रहना चाहिए आपके पास। ये सारे डॉक्यूमेंट आप खुद से पढ़ सकते हो, आधार कार्ड है, परसेंटेज, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं। अब दूसरी बात है कि आप इसे अप्लाई कैसे करोगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको और भी पहले बता सकता हूँ, MHRD पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन है तो आप देखो लिंक दिए यहाँ पे कि एक पहली वाली जो लिंक है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, जहाँ पे आप डिप्लोमा किए हो तो आपको पहली वाली लिंक पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना रहेगा। अगर आपने की BSc ITI तो आप सेकंड वाले लिंक पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। इसमें मेन चीज़ है कि आप अगर कहीं से अप्रेंटिस कर लिया है या कर रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई मत करो, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है भैया। तो आपका भाई का तो बता दिया कि यहाँ पर सारी, अगर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है तो आपको मेल के थ्रू या SMS के थ्रू यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
और आप अगर यहाँ पे बता दिया गया है कि आप कौन कौन सी कैटेगरी से करते हो तो आपको कितना बेनिफिट्स मिलने वाला है, आप सेकंड क्लास का रमर्स मिलने वाला है, वो चीज़ बता दी, खुद से पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल वो कर लो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और चेक कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें, टाइम टू टाइम मिलते रहें, जैसे आप अप्लाई कर पाओ।